मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के आगे के टॉपिक को बतलाने आया हूं। आज का जो हमारा जो टॉपिक जो होगा वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरीके से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर हम मध्य 18वीं शताब्दी तक अगर देखें यूरोप के नक्शे को, तो उसमें कहीं पर भी आपको राष्ट्र बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी आज जिस तरीके से स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है, बेल्जियम है, ये सभी जो आज जिस तरीके से आपको राष्ट्र के तौर पर दिख रहे हैं, आप मिड 18th सेंचुरी के अगर मैप को अगर आप देखें तो उस समय इस तरीके का कुछ भी नहीं था। यानी ये नेशंस थे ही नहीं, बल्कि इनके जगह पर उस समय जो है राजाओं का शासन था। ये सभी इलाके जो थे ना अलग अलग साम्राज्यों में बटे हुए थे, और इन अलग अलग साम्राज्यों में लोगों की अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग भाषा था। तो जब अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग यानी कल्चर है, अलग अलग उनमें भाषा है, किसी तरीके का कोई कॉमन आइडेंटिटी है ही नहीं, तो आखिर ये कैसे जो है नेशन के अस्तित्व में आएंगे, किस तरीके से नेशंस का फॉर्मेशन होगा। तो जरा एक सबसे बड़े एम्पायर की हम बात आपको बता दें, हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था और बहुत दूर तक ये फैला हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी ये आपको आते थे, इटली, जर्मनी, ये सारे हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत आते थे। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, यहां पर आपको सभी जगह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस जो है एम्पायर के सभी तरफ अलग अलग विशेष जाति के लोग रहते थे, और इन सभी जातियों का जो है एक अपना एक अलग बोली होता था, इनकी अपनी एक कल्चर होती थी। तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रहा है कि कॉमन आइडेंटिटी जो है ना वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। जब तक एक कॉमन आइडेंटिटी पहचान उनके अंदर डेवलप नहीं होगी, कॉमन चाहे वो कल्चर के रूप में हो या फिर आपको लैंग्वेज के रूप में हो, तो नेशन कैसे बिल्डअप हो पाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या थी कि आखिर राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए। एक चीज, इन सभी जो आप एम्पायर मैंने आपको बताया, हर एम्पायर जो था, हैब्सबर्ग एम्पायर जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ था, सब जगह अलग अलग राजा थे जिनका वहां पर शासन हुआ करता था, एक ही चीज कॉमन था, और वो कॉमन जो था वो ये कि लोग जो है ना उनके राजा के प्रति जो है उनका निष्ठा था। यानी जो किंग जो है उनके प्रति जो है लोगों की निष्ठा थी, यही एक कॉमन चीज था कि लोग जो है लॉयल हैं किसके प्रति, अपने रूलर के प्रति, और किसी भी तरीके का कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं था। लेकिन ये कॉमन आइडेंटिटी जो है ना आगे बिल्डअप होती है। आगे जो हमारा जो टॉपिक जो है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास यानी राजशाही और साथ ही साथ जो है नया मध्यम वर्ग। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि किसी तरीके का कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है तो नेशन कैसे बनेगा, तो यहां पर आप देखेंगे कि कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होगा, कॉमन आइडेंटिटी जो है वो डेवलप होगी, और इसी कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर आगे का रास्ता जो होगा वो तैयार होगा। चलिए जरा जानते हैं एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस के बारे में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मध्य 18वीं शताब्दी में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है इलाका, वहां पर कॉमननेस नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी सब जगह अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर। लेकिन एक बात मैंने आपको बताया कि कॉमन क्या था, कॉमन जो था वो राजा के प्रति लोगों की निष्ठा। तो एरिस्टोक्रेट्स जो है ना, ये एरिस्टोक्रेट्स जो है इनका जो है कॉन्टिनेंट पर दबदबा बहुत ज्यादा होता था। यानी ये इन लोगों का यूरोप में जो है
बहुत ज्यादा दबदबा था। डोमिनेंट ग्रुप्स थे ये, कौन? एरिस्टोक्रेट्स। तो ये हुआ कैसे, कैसे आखिर वो डोमिनेंट ग्रुप्स बन गए? तो सबसे पहले एरिस्टोक्रेट्स वो लोग हैं जिनके पास अधिक जमीनें हुआ करती थी, गांव में भी शहरों में भी, गांव में भी उनकी जमीन है, शहरों में भी अनेक जगह उनकी जमीनें हैं, अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में भी है, अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में भी उनके पास जमीनें हैं, हवेलियां हैं, घर हैं। तो ये कैसे हो पाया? अरे अपने इलाके तक तो समझ में आता है कि हाँ इस अपने इलाके में किस तरीके से है, क्योंकि वो वहां पर जो है उनका डोमिनेंट है ग्रुप है, वो यानी उनकी वहां पर सत्ता है। राजनीतिक और सामाजिक तौर पे इनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, ध्यान से समझिएगा, राजनीतिक और सामाजिक तौर पे इनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था अपने इलाके में, शुरुआत अपने इलाके में। और इसके बाद क्या हुआ, मैट्रिमोनियल अलायंसेस के जरिए, मैट्रिमोनियल अलायंसेस के जरिए इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे या अपनी बेटी की जो शादी दूसरे एरिस्टोक्रेट से कर दिया। तो ये शादी से जो संबंध जो बना, इससे क्या हुआ कि ये एरिस्टोक्रेट्स जो हैं अब वहां पर भी इनकी जो है डोमिनेट, ये भी वहां पर भी डोमिनेट करने लगे, वहां के एरिस्टोक्रेट्स अब दूसरे तरफ के इलाकों में डोमिनेट करने लगे। तो ऐसे क्या हुआ कि इनका डोमिनेशन जो है वो बढ़ता चला गया। लेकिन सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट ये आती थी आई कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण की जब शुरुआत हुई ना, तो उस समय एक नया वर्ग का उत्पत्ति हुआ, और ये नया वर्ग जो था वो आपको कॉमर्शियल क्लास कहलाया। इस वर्ग की रोजी रोटी जो है वो व्यापार पर ही निर्भर थी। अब क्या है कि ये कॉमर्शियल क्लास, औद्योगिकरण जैसे आया तो कॉमर्शियल क्लासेस का बर्थ हुआ, तब कॉमर्शियल क्लासेस जिनका इंडस्ट्री है, जिन्होंने इंडस्ट्री सेटअप किया या फिर जो इंडस्ट्री के जरिए जी रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का काम थोड़ी करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या हुआ, एक अलग वर्ग का जन्म हुआ, वो थे लेबरर क्लासेस के लोग, यानी श्रमिक लोग। यानी अब एक नया कैटेगरी आया, वो क्या है कॉमर्शियल क्लासेस के बाद, वो है लेबरर्स, यानी श्रमिक लोग जो कि श्रम कर रहे हैं। उनकी रोजी अब किसके ऊपर निर्भर है, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो उनकी रोजी रोटी चल रही है। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक कौन, कॉमर्शियल क्लासेस, दूसरा कौन, लिबरल क्लासेस, इन्हीं दोनों के बीच में जो है आपको एक नया वर्ग आया जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। तो मध्यम वर्ग के लोग कौन है, अब जरा सोचिए कि इंडस्ट्री जिसके पास कैपिटल था, जिसके पास पैसा था, जो एरिस्टोक्रेट्स जो हैं उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप कर दिया। अब क्या हुआ कि उस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग जो है वो श्रमिक लेबरर्स हो गए। अब इंडस्ट्रीज और श्रमिकों के बीच में जो एक लिंक के लिए कौन आया, वो थे मीडियम क्लासेस के लोग, पढ़े लिखे लोग। तो ये उदारवाद सोच के लोग हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि एरिस्टोक्रेट्स ने अपने धन और संपत्ति के बल पर उद्योग स्थापित कर दिया, और इन उद्योगों में जो है श्रमिकों को काम मिल गया। अब इन उद्योगों को चलाने के लिए लोगों की जरूरत थी, और ये जो लोग जो थे पढ़े लिखे लोग चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री हो तो उसमें क्या है, किसी ने कैपिटल लगाया, दूसरे लोगों को हायर किया, तो किसको हायर करेंगे, हम पढ़े लिखे लोगों को ही हायर करेंगे। तो पढ़े लिखे लोगों को हायर किया गया जो कि मिडिल क्लासेस के लोग हैं। तो अब क्या होता है कि देखिए एरिस्टोक्रेट्स जो थे ना, इनका लिंक सिर्फ एरिस्टोक्रेट से ही रहता था, यानी एक एरिस्टोक्रेट्स जो था वो दूसरे एरिस्टोक्रेट से उसका लिंक था। तो यहां पर भी एक लिंक डेवलप किया, यहां पर लिंक जो डेवलप जो किया वो लिंक जो था वो लेबरर्स और मिडिल क्लासेस के बीच में हुआ। लेबरर्स और मिडिल क्लासेस के लोगों के बीच में एक आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई, और यही लोगों ने जो है आगे चलकर जो है आपको कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग को डेवलप करने में पूरा मदद किया।
इन्हीं लोगों के कारण ही आज जो आप यूरोप के जो नक्शे पर अलग अलग देश देख रहे हैं, तो ये जो पहले मध्य 18वीं शताब्दी में थे ही नहीं, ये साम्राज्यों में बटे हुए थे, तो ये इन्हीं के कारणवश, इन्हीं के प्रयास, शुरुआत तो इन्होंने ही किया, यानी शुरुआत लेबरर्स और मिडिल क्लासेस के लोगों ने किया। शुरुआत का कमान संभाला किसने? तो मिडिल क्लासेस, शिक्षित वर्ग के लोगों ने। और इनका साथ किसने दिया? इनका साथ उन श्रमिकों ने दिया। तो इसी तरीके से यूरोप में जो है एक रास्ता तैयार हो चला है, किस चीज के लिए? तो नेशन को बिल्डअप करने के लिए। तो आगे हम लोग इसी के बारे में और आगे कंटिन्यू करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से जो है ये लिबरल लोग जो हैं अलग अलग जो है स्फीयर्स में बदलाव लाते हैं, पॉलिटिकल स्फीयर्स में, इकोनॉमिक स्फीयर में और सोशल स्फीयर में। ये हमारा अगला टॉपिक होगा जिसके बारे में मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा।